तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे तीन ऐसी एसयूवी के बारे में जो कि जल्द होने वाली है हम सभी के लिए फाइनली लॉन्च। तो दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है हमारी टोयोटा की तरफ से कि टोयोटा की जबरदस्त एसयूवी होने वाली है भारत।
NCPA के तहत 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, यानी दोस्तों ये कार भी काफी मजबूत होने वाली है। दोस्तों अगर इंजन और पावर की बात करी जाए तो बताना चाहूंगा कि टाटा की बिल्कुल ब्रांड न्यू पेडिग्री सेडान कार में आपको पेट्रोल तथा डीजल वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। पेट्रोल वेरिएंट में दोस्तों आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज मोटर लगी होगी, जो कि आपको 120 bhp की पावर और 170 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगी। वहीं इसका सेकंड वेरिएंट यानी 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन आपको 110 bhp की पावर और 260 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देगा। ये भी दोस्तों कहा जा रहा है कि टाटा इस कार के लिए खास अपना 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी आप सभी के लिए मार्केट पे उतार सकती है। हालांकि ये इंजन अभी डेवलप सिस्टम पे चल रहा है, इस इंजन को टाटा हैरियर में आगे लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो बताना चाहूँगा कि भारत में टाटा की बिल्कुल ब्रांड न्यू सेडान कार जिसका कोड नेम X452 रखा गया है, उसकी स्टार्टिंग कीमत दोस्तों 4.60 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस हो सकती है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन दोस्तों 6.70 लाख रुपीस तक जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों इसका एक एडवांस वेरिएंट जिसमें आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाला है 1.5 लीटर ऑप्शन के साथ मार्केट में अगर उतरती है तो उसकी स्टार्टिंग कीमत दोस्तों 6.80 लाख रुपीस से हो सकती है। तो दोस्तों भारतीय बाजार में टाटा अपनी नई सेडान कार के साथ हम सभी के लिए सितंबर में एंट्री लेने वाली है। अगर आप इस कार को अपने लिए बुक करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट जरूर करिए। अब दोस्तों हमारी तीसरी खबर निकल के आ रही है मशहूर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से कि उनकी पॉपुलर कार वैगनार का 7 सीटर वेरियंट होने जा रहा है भारत में लॉन्च। तो चलिए जान लेते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार वैगनार का बड़ा वर्जन भारत में लॉन्च करने की फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये कार वैगनार का 7 सीटर मॉडल है। मारुति ने साल 2013 में इंडोनेशिया मार्केट में इस कार को सबसे पहले 7 सीटर ऑप्शन के साथ शोकेश किया था। हाल ही में इसे दिल्ली NCR में इस मॉडल को टेस्टिंग के दौरान भी काफी बार पहले देखा जा चुका है। इसी बात से इस बात का अंदाजा पहले लगाया जा चुका था कि इस कार को हम सभी के लिए मार्केट में लॉन्च किया जाना है, मगर ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों मारुति सुजुकी ने इंडिया ने खुलासा कर दिया है कि वो अपने वैगनार के 7 सीटर मॉडल को जल्दी सितंबर तक हम सभी के लिए लॉन्च कर सकती है। अगर दोस्तों डिजाइन की बात करी जाए तो मारुति सुजुकी वैगनार 7 सीटर के टेस्टिंग मॉडल में आपको 5 सीटर वैगनार की तुलना में अगर इसको कंपैरिजन करें तो इसकी लंबाई दोस्तों ज़्यादा निकल के आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 सीटर वैगनार की लंबाई 5 सीटर मॉडल से 100 mm तक ज़्यादा होने वाली है। हालांकि कार की कुल लंबाई 4 मीटर से छोटी ही रखी जा सकती है। कार की लंबाई बढ़ाने से इसमें तीसरी लाइनअप की सीट लगाई जा सकती है, जो कि बच्चों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर इंजन की बात करी जाए तो बताना चाहूँगा कि भारतीय बाजार में वैगनार के 7 सीटर वेरिएंट के अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको अधिकतम 67 bhp की पावर और 90 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों 7 सीटर वेरियंट पर आपको 5 स्पीड मैनुअली और AMT विकल्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि 5 सीटर मॉडल में अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो बताना चाहूँ कि 7 सीटर कार के इंटीरियर डैशबोर्ड और फ्रंट सिस्टम से लेकर कैबिन में 5 सीटर के मुकाबले काफ़ी एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी आपको वैगनार के 7 सीटर मॉडल में देखने को मिलने वाली है। इस कार का दोस्तों डैशबोर्ड भी काफ़ी स्टाइलिश और डुअल टोन कलर्स ऑप्शन के साथ डेवलप किया गया है, और साथ ही साथ इस कार के अंदर आपको 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ मार्केट में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की तरफ से एक एप्लीकेशन आपको मुहैया करवाई जाएगी। इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद बैठे 3 लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर मौजूद समेत कई दूसरे फीचर्स को अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको ड्राइवर साइड एयरबैग्स, ABS, EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी सेफ्टी फीचर्स को कंपनी ने 7 सीटर वैगनार में मौजूद करवाया है। अगर टॉप वेरिएंट की बात करें दोस्तों उसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे के ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो बताना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी की अपडेट वैगनार 7 सीटर को हम सभी के लिए सितंबर तक ही लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग कीमत की बात करें तो दोस्तों 4.60 लाख रुपीज़ से हो सकती है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। टॉप वेरियंट की बात करें तो करीबन 6.40 लाख रुपीज़ तक मार्केट में जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 ऐसी कारें जो कि अपकमिंग है और आप सभी के लिए सितंबर में लॉन्च होने वाली है। अगर आप इन 3ों में से कोई भी कार को अपने लिए बुक करना चाहते हैं या फिर अधिक डिटेल चाहते हैं
तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।